ओके चलिए देखते हैं कि हम लोग एनवीआर में हार्ड डिस्क कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस एनवीआर को खोलना होगा। आपको यहाँ पे देखिए दो नट मिल जाएंगे, ये आपको नट को खोल लेना है। ऐसे ही आपको पीछे नट मिलेंगे, यहाँ मैंने इसको खोल लिया है। उसी तरह आपको इधर भी नट मिलेंगे। सारे नटों को आपको अच्छे से खोल लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ घसकाते हुए दोस्तों अब आपको इसे इस तरह से खोलना है। उसके बाद हम ये हार्ड डिस्क लेंगे। मैं यहाँ पे अगेन सीगेट का सर्वलेंस हार्ड डिस्क यूज कर रहा हूँ 4 TB का। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इसमें स्पेस बहुत है, क्योंकि ये दो यहाँ पे दो शाटर स्लॉट है। आप देख रहे होंगे इस एनवीआर में ये एक्चुअली दो शाटर स्लॉट वाला एनवीआर है। यहाँ पे हमें दो जो हार्ड डिस्क है, दो हार्ड डिस्क लगाने का ऑप्शन हमें मिलता है। ठीक है, तो ये दो शाटर स्लॉट वाला है, इसलिए इसमें स्पेस ज्यादा बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा। तो अब हम लोग देखेंगे पावर साटा स्लॉट। ये देखिए एक पावर कोड है इसका, साटा पावर कोड। ये आपको नॉर्मली लेना है और यहाँ पे इस तरह से लगा देना है। उसी तरह से एक साटा केबल चाहिए हमें, साटा केबल लेना है। साटा केबल को भी लगा देना है अच्छे से और उसके बाद हार्ड डिस्क में इसे लगा के और ये साटा केबल भी इसे हार्ड डिस्क में पुश कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों एक वायर एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो इस हार्ड डिस्क के लिए है। तो फिलहाल मैं इसे ऐसे ही छोड़ूंगा क्योंकि मुझे एक ही लगाना है। ओके, उसके बाद मैं इसे दे लूंगा। और इस तरह से आपको नीचे जो है हॉल को मिला लेना है आपस में और उसके बाद स्पेस स्क्रू आपको चढ़ाने हैं और यहाँ पर टाइट कर देना है। इसी तरह से वन बाय वन ये 4 स्क्रू आपको लगाने हैं आपको। ओके, तो यहाँ पर आपको ये सबको अच्छे से टाइट कर देना है। हमारा हार्ड डिस्क हो चुका है, इस वायर को हमें अंदर ही छोड़ देना। उसके बाद ये हम इसके कवर को इस तरह से इसको रखना है और ये हमने कवर को बैठा दिया और हमने जितने स्क्रू खोले थे उन सारे स्क्रू को अगेन टाइट कर देना है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा हार्ड डिस्क इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।